व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो स्वागत करता हूं आप लोगों का नैनो मैगजीन के इस लेक्चर में। ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और इसी के साथ में पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार फेस्टिवल के साथ में। बोला गया है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा किस एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा वाले राज्य में यहाँ पर खर्ची पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं त्रिपुरा हमारी कंट्री का आसाम और मिजोरम इसको टच करता है और वैसे बांग्लादेश का बॉर्डर इसको टच करता है। ये जो खर्ची पूजा है ये यहाँ पर जो इसका नाम निकला है खर्ची, ये खाया, खाया मतलब है यहाँ पर ये अर्थ, यानी कि अर्थ के नाम से यहाँ पर इसका नाम निकाला गया है। अर्थ को एक तरीके से साफ करने की कोशिश की जाती है, इसको बोला जाता है कि जो मेस्ट्रल फेज होता है मदर अर्थ का, तो उसको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की जाती है। तो 14 गोड है यहाँ पर जो उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, ये है साइद्रा, साइद्रा रिवर में इनको एक तरीके से नहलाया जाता है, बात कराया जाता है और बैक टू द फिर टेम्पल इनको ले जाया जाता है। यहाँ पर एनिमल का सेक्रीफाइस भी देखने को मिलता है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्टिकुलर प्रोसीजर का। जून, ये यहाँ पर जुलाई के महीने में लगभग यहाँ पर ये एट्थ डे जो न्यू मून होता है ये उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। मोटा मोटा याद रखिए कि जुलाई के महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा वाले एरिया में, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ आइडिया आप लोग रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड फेस्टिवल आप लोगों से पूछा जा सकता है, फेस्टिवल का नाम दे देंगे और पूछेंगे कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया जाता है ये बेसिक जो बोला गया है ये यहाँ पर जो सैग यानी कि संत व्यास थे उनके नाम पर यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि जो भी आप लोगों को कुछ ने सीखा, किसी ने कुछ ने कुछ आप लोगों को सिखाया होगा लाइफ में किसी ने किसी फेज में, तो एक तरीके से उसको थैंक्स गिविंग फेस्टिवल इसको बोला जाता है। यानी कि अपने जो भी गुरु हैं उनको थैंक्स बोलने का ये एक तरीका फेस्टिवल यहाँ पर होता है जो कि हमारी कंट्री में ऑल ओवर इंडिया 16 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाना है। सबसे बड़ा जो फेस्टिवल यहाँ पर देखने को मिलेगा ये गोवर्धन नियर मथुरा, यहाँ पर ये सबसे बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना है। देखिए जिससे भी लाइफ में आप लोगों ने कुछ सीखा है, कभी भी किसी भी इंसान से आप लोग कुछ भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान के अंदर की हाँ ये क्या सिखाएगा मुझे, ऐसा कभी नहीं बोलना है। हमेशा बारिश में जब बारिश पड़ती है तो हमेशा आप लोगों के पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है नीचे ये ऐसा पोर्शन रहता है और एक ये होता है। अगर बारिश यहां पर गिरती है तो वो आप लोगों की ऐसे बह जाएगी, आप लोग उसको कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन हमेशा बारिश में आप लोग ऐसा बन के रहना है। यानी कि जिससे भी जो भी आप लोगों को सीखने को मिले वो सीखते चले जाइए और अपने आप को फुल करते चले जाइए। तो ये एक तरीके से पैटर्न आप लोग लाइफ में रखिए, किसी भी इंसान से आप लोग कुछ भी सीख सकते हैं। तो यही फंडा है यहाँ पर लाइफ में, जो भी इंसान आप लोगों को मिले, अच्छे इंसान भी कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं और बुरे इंसान भी कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर सिखा के जाएंगे। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी जरूर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जिस भी इंसान से आप लोगों ने कुछ सीखा है उसके लिए आप लोग उसको थैंक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्विज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने 7 क्वेश्चन हैं, आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताऊंगा, अच्छे से इनको अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले बात की जा रही है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, उसके द्वारा इनवाइट किया गया है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, यानी कि पत्रकारिता के फील्ड में जो अवार्ड दिए जाते हैं उसके लिए यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। तो ये यहाँ पर जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ये नेशनल प्रेस डे पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आप लोगों को ये डेट बतानी है किस दिन हम लोग नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करते हैं। 2019 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये यहाँ पर किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मिलके यहाँ पर जो बेसिक ऑफिस है यहाँ पर ये है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर खाली जगह इसमें किसका नाम आएगा। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है 3 पॉइंट पर हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग इंडेक्स। हेल्थ में 2 इंडिकेटर थे जिनको आप लोगों ने न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी बोला था, एजुकेशन में 2 थे जिनको ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूलिंग अटेंडेंस बोला था। जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें आप लोगों के 6 इंडिकेटर थे, खाना कैसे खा रहे हैं, कैसी साफ सफाई रख रहे हैं, पानी पीने का है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, कितने फ्लोर के घर में रहते हैं, इसी के साथ में एसिड कितनी है। तो ये यहाँ पर टोटल मिलाकर 10 इंडेक्स में, और ये जो 10 इंडेक्स हैं इनका जो मेजर चंक होता है ये 3 इंडेक्स में, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग। तो ये रखिएगा HEL, तो HEL की कैटेगरी में यहां पर इसको डिवाइड किया जाता है पूरे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये है अंशुल कांत, इनको अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इनको अभी MD बनाया गया है, MD और चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। तो फाइनेंशियल ऑफिसर कौन से बैंक में ये बनने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल के। नेक्स्ट बात की जा रही है UN के द्वारा यहां पर जो एक वॉच डॉग है उसने बोला है अभी यहां पर जो यूरेनियम का लेवल है वो अबव द डील पहुंच चुका है जो डील में रखा गया था ईरान न्यूक्लियर डील के। तो कौन सी एजेंसी ने ये सारी चीजें चेक की है ईरान के अंदर, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, यह है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि अगर आप लोग इंश्योरेंस कराते हैं अपना तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कंपनी है, आप लोग हैं और इसके बीच में एक पर्सन है जो कि यहां पर आप लोगों का इंश्योरेंस करता है, तो ये थर्ड पार्टी होगी यहां पर आप लोगों के और कंपनी के बीच में। तो उससे रिलेटेड कई सारे चेंजेस अभी रेगुलेशन में किए गए, तो कौन सी एजेंसी के द्वारा ये चेंज किए गए हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो बोलते हैं एक तरीके से
कूड़ा कचरा निकालना, इंसानों को गटर में डालकर उनसे सफाई करवाना, वो सारी चीजें, कई बार यहाँ पर डेथ भी इंसान की हो जाती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ जो सीवेज जो डेथ देखने को मिली यहाँ पर 144, तो ये कौन से राज्य में देखने को मिली? दूसरे नंबर पर है यहाँ पर गुजरात, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया की बात की जा रही है, इंडिया यहाँ पर बोला गया कि सिग्नेटरी नहीं है। ये किसका सिग्नेटरी नहीं है जिसके बेस पर आप लोग नहीं बोल सकते इंडिया को कि इंडिया रिफ्यूजी को अपने हिसाब से यहाँ पर, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यहाँ पर काम करे। तो रिफ्यूजी में इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं उनको फॉलो नहीं करता इंडिया, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर अपने हिसाब से काम करता है, क्योंकि वी आर नॉट सिग्नेटरी एनी काइंड ऑफ दीज जो अवेलेबल इंटरनेशनल लॉज है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। तो बताइएगा क्या है यहाँ पर इसके बारे में, अभी आंसर बताऊंगा, मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसको लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, यह है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो पीसीआई के द्वारा भी जो जिनको अवार्ड देने हैं उनके नाम यहां पर अभी बुलाए गए हैं, इनके उनको इनवाइट किया गया है कि किस किस को यहां पर ये अवार्ड दिया जाना है, फिर छांटकर उनमें से फिर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नवंबर 16 को ये हमारी कंट्री में नेशनल प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरे का आंसर यहां पर यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको यूएनडीपी बोलते हैं, इसका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है ये यहां पर क्रिएट करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हमारी कंट्री में ये बोला गया रिसेंटली अभी कि काफी लार्ज स्केल पर जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते थे उनको हम लोग उबार पाए हैं, यानी कि एक अच्छी लाइफ उनको दे पा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट यहां पर अंशुल कांत हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थी एसबीआई में, आज की डेट में इनको वर्ल्ड बैंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट मिल गई है, तो ये गर्व की बात आप लोग बोल सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो वॉच डॉग है यहां पर यह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसके द्वारा यहां पर कंफर्म किया गया ईरान ने जो एनरिच करने की फैसिलिटी थी, वो जो न्यूक्लियर डील साइन की गई थी ईरान के साथ में, उसको ओवर कर चुका है, आज की डेट में अबव द डील जा चुका है। तो ये आगे आने वाले टाइम में देखते हैं क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके निकल के आते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI जिसको आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा ये रूल और रेगुलेशन में चेंज किया गया थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। तो इसको यहां पर देखा गया कि किस तरीके से क्या सर्विस प्रोवाइड करानी है, तो देखते हैं आगे चलकर। तमिलनाडु वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजिंग से वजह से लोगों की जान गई, दूसरे नंबर पर गुजरात है। हम लोगों ने 1951 का जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है जो कि यहां पर रिफ्यूजी के बारे में बात करता है, तो वी आर नॉट सिग्नेटरी, हमने इसको साइन नहीं किया है। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और बोले गए, वो बोल रहे हैं कि हमको एज ए रिफ्यूजी का यहां पर दर्जा मिल जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी कंट्री की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि उनकी देख रेख करे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, एज ए ह्यूमन बींग उनको ट्रीट करे कि हाँ इंसान है, ये ना देखे कौन सी कंट्री का वो इंसान है। तो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि ये आज के टाइम बहुत ज्यादा ट्रबल में है और इनको किसी भी नेगेटिव तरीके से यूज कर हमारी ही कंट्री के लिए सिक्योरिटी का खतरा इनको बनाया जा सकता है। तो दोनों ही अपनी जगह वाजिब है, अब देखने वाली बात कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर, यह है इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। छोटी छोटी मगर मोटी बातों में सबसे पहले जो आप लोगों की न्यूज निकल कर आ रही है यह है काफी इंटरेस्टिंग, ऑपरेशन थ्रस्ट यानी कि प्यास, इसका नाम आप लोग को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा किसके द्वारा चला गया है, तो यह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, RPF के द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर ड्राइव की गई है यहां पर स्टार्ट। क्या करेंगे इसमें, ये देखेंगे कि रेलवे वाले एरिया में, यानी कि रेलवे का जो भी प्रीमाइस है वहां पर कोई लोकल लेवल का पानी तो नहीं बेच रहा है, ऐसा तो नहीं है वो फैक्ट्री अपने घर में ही लगा रखी है उसने और जो बाहर से पानी आता है उसी को पाइप में बंद कर ऊपर सील कर पैक और उसको आप लोगों को बेच रहा है। तो कभी भी रेलवे पे आप लोग कहीं भी आसपास में जाते हैं, मेरा सजेशन तो ये है कि हमेशा अपनी खुद की बोतल रखें जो घर से आप लोग भरकर उसको लेकर चलें, रास्ते में पीने का पानी न खरीदें, अपने घर से ही आप लोग लेकर चलें जहां तक पॉसिबल हो पाता है, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो फिर भी एक कम से कम एक ऐसे जो नाम आप लोगों को पता है, एक ओरिजिनल कोई ऐसा जो कि ऑल इंडिया लेवल पर जिसको जानते हैं सब कोई ऐसा ब्रांड, उसका पानी खरीदने की कोशिश करें, वो आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो अनऑथराइज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उनको यहां पर हटाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे लगभग यहां पर ये 1371 ऐसे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है जो कि इस तरीके के पानी बेच रहे हैं जो कि उनकी खुद की एक कंपनी है, ठीक है। तो वही जिस तरीके से अक्षय कुमार की होते हैं टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी, तो कुछ ऐसी कंपनी यहां पर है टिचकुले एंड टिचकुले वाटर ड्रिंकिंग कंपनी। तो इसी तरीके कोई भी अगर आप लोगों को दिखता है उसका पानी आप लोगों को नहीं खरीदना है, वेरीफाइड सर्टिफाइड कोई कंपनी है जैसे बिसलरी टाइप में, तो उनके पानी खरीदिए, और मैं तो ये बोलूंगा किसी के भी नहीं खरीदने, घर से अपनी बोतल में पानी लेकर आओ, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्यों फालतू में पैसा बर्बाद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माँ बाप का पैसा जरूरतें पूरी करने के लिए होते हैं, अय्याशी और इंजॉयमेंट जो आप लोग करना है वो अपनी कमाई में करना। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है यहां पर एक मूवी डायरेक्टर के बारे में जिसका नाम है कौशिक गांगुली, इनके द्वारा यहां पर एक मूवी है जिसका नाम है नगर कीर्तन। ये जो मूवी है ये एक बंगाली मूवी है और इस मूवी को साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन फिल्म फेस्टिवल में 4 अवार्ड से इसको नवाजा गया है। तो मूवी का नाम रखिएगा नगर कीर्तन, डायरेक्टर है यहां पर कौशिक गांगुली और इसको 4 अवार्ड दिए गए हैं यहां पर सार्क जो कि यहां पर साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन है 2019 का।
अभी यहां पर जो ये नगर कीर्तन है ये पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो ये एक लव स्टोरी है। यहां पर लव स्टोरी है क्या है, ये ट्रांस वुमेन यानी कि जिसको आप लोग किन्नर बोलते हैं, और यहां पर एक बांसुरी बजाने वाला है तो उनकी लव स्टोरी यहां पर दिखाई गई है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं जिसको कोई ना कोई अवार्ड मिला हो, तो इसके बारे में आइडिया जरूर रखिए। खासकर उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात यहां पर की जा रही है जो कि अभी काफी न्यूज में भी है। जो यहां पर रोल प्ले किया गया है यह है रिद्धि सेन और ऋत्विक चक्रवर्ती। ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर ये रोल प्ले किया गया एज ए जो एक्टर्स और एक्टर है यहां पर, तो इनका नाम भी हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है ये भी यहां पर एक मूवी से लिख कर आ रही है। तो हमारी कंट्री की जो मूवी है नाम है गुली बॉय, आप लोगों ने देखी होगी, शानदार परफॉर्मेंस यहां पर रणवीर सिंह की देखने को मिलती है। तो ये जो मूवी है इसको यहां पर अभी ऑनर किया गया है NETPAC यानी कि नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा। तो यहां पर जो अवार्ड दिया गया यहां पर 23rd यह बुकियन इंटरनेशनल फैंटेस्टिक फिल्म फेस्टिवल। ठीक है ना, तो ये क्या है बेसिकली, ये यहाँ पर साउथ कोरिया में एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि एक प्रोविंस है यानी कि राज्य आप लोग बोल सकते हैं, उसके नाम पर ये फेस्टिवल है। यहाँ पर इस मूवी को ये अवार्ड दिया गया है यानी कि इसको नवाजा गया है कि यहाँ एक शानदार मूवी है। ये फिल्म जो डायरेक्ट की गई है ये जोया अख्तर के द्वारा डायरेक्ट की गई है, और यहाँ पर जो बेसिकली एक लड़का रहता है जो स्ट्रीट में रहता है, स्ट्रीट रैपर, वो निकल कर आता है और एक अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस अपनी दिखाता है। तो एक तरीके से मोटिवेटिंग स्टोरी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये मूवी का नाम आप लोग याद रखिएगा, और कहां पर इसको अवार्ड दिया गया है, तो ये है यहां पर जो बेसिकली यहां पर जो अवार्ड दिया है 23rd बुकियन इंटरनेशनल यह फंटेस्टिक फिल्म फेस्टिवल। ठीक है ना, तो फंटेस्टिक फिल्म फेस्टिवल से भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। जोया अख्तर यहां पर इसकी डायरेक्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर यह है पवन हंस के बारे में। पवन हंस ये एक कंपनी है जो कि यहां पर सर्विस प्रोवाइड कराती है कई तरीके के एरिया में। ठीक है, हमारी कंट्री में कई सारे एरिया में सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। अगर इसका स्लोगन देखेंगे तो वी फ्लाई फॉर यू यानी कि आप लोगों के लिए हेल्प करते हैं यहां पर फ्लाई करने के लिए। ये जो कंपनी है आज के डेट में जो मैक्सिमम शेयर आप लोगों यहां पर इसमें देखने को मिलते हैं, तो यहां पर गवर्नमेंट के हैं और ONGC की। ठीक है, तो ये दो कंपनी के आप लोगों को शेयर देखने को मिलते हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट इससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो गवर्नमेंट के जो 51 शेयर है वो स्टेक इसमें बेचने की बात कर रही है। 49 स्टेक आज के डेट में इसके ONGC के पास में है। तो अगर इसको बेच दिया जाता है तो देखते हैं फिर क्या कंडीशन निकल के आती है। अभी फिलहाल बोला गया कि एस्टिमेशन जो लॉस यहां पर देखने को मिला तो 72.42 करोड़ यहां पर लॉस इसमें अभी देखने को मिला। तो अब ये बात की जा रही है कि इसका जो नेक्स्ट लेवल पे फिर से जो इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसके बेस पे देखते हैं कि कितने यहां पर फिर गवर्नमेंट का शेयर यहां पर रहता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जो होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट अपने शेयर बेचती है किसी प्राइवेट कंपनी, या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी को बेच सकती है, या किसी और दूसरी पब्लिक प्राइवेट कंपनी को बेच सकती है। बेसिक फंडा ये रहता है कि गवर्नमेंट के पास से पैसा आएगा और गवर्नमेंट उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करेगी। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल रखे जो कि लॉस मेकिंग एक तो प्रोडक्ट है और दूसरा जिससे जनता को ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने लोगों को यहां पर भी सिलेक्ट किया जाएगा जो भी यहां पर अपनी बोली लगाएंगे, और फिर कितना पैसा इससे निकल पाता है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो कंपनी है इसका जो हेडक्वार्टर है, चलिए पवन हंस के बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसको बनाया कब किया था, पहली बात हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नॉर्थ इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसी बड़ी सिटी में ऐसी में नहीं है जैसे मुंबई, कोलकाता आप लोग ये सब बोलते हैं, दिल्ली वगैरह, एक अलग ही तरीका नाम आप लोगों को नजर आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा जाकर देखिएगा। वैसे जैसे सर्विस जैसे वैष्णो देवी में भी ये क्या करती है, यात्रियों को कटरा से वैष्णो देवी तक पहुंचाती है, तो वहां पर भी ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंपनी है हमारी कंट्री में। तो पवन हंस के बारे में थोड़ा जाकर पढ़िएगा और बताइएगा। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोग की यहां पर, ये न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर, ये भी एक मूवी से ही निकल कर है। आज काफी मेरा जो फेवरेट एरिया है वो काफी कवर हो गया आप लोगों के सामने। कई सारे बच्चे बोले थे सर मूवी की बड़ी बात करते हो। देखिए मूवी में मेरा काफी इंटरेस्ट है एक्चुअल में, जो मुझे अच्छी मूवी लगती है जिसमें मुझे लगता है कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कुछ लाइफ में सीखने को मिलते हैं, वो आप लोग काफी कुछ सिखा के जाती है। एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, पर लेकिन आप लोग वहां पर एडुटेनमेंट उससे कर सकते हैं यानी कि सीख सकते हैं काफी कुछ मूवीज से। ठीक है, तो यहां पर अभी बात की जा रही है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब की जिसका नाम है क्षितिज। ये जो स्टार्ट किया गया है ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये लॉन्च किया गया कहां पर, मुंबई में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये फिल्म डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है इसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये, इसी के साथ में एसोसिएशन किसके साथ में, इंडियन डॉक्यूमेंट्री ये है, इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर एसोसिएशन IDPA, तो दोनों मिलकर यहां पर ये क्षितिज नाम का एक क्लब यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मूविया वगैरह दिखाई जाए करेंगी, खासकर पब्लिक के लिए स्क्रीनिंग यहां पर देखने को मिला करेंगी। तो हर सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को एवरी मंथ यहां पर 5 से लेकर 6:30 तक यहां पर फिल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स में मूवी दिखाई जाएगी। फिलहाल अभी जो यहां पर बोला गया है कि जो डॉक्यूमेंट्री होगी यहां पर इनॉग्रल टाइम पर, ये है यहां पर सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स। ठीक है, तो ये भाई अजय और विजय बेदी के द्वारा ये मूवी है, तो ये यहां पर फर्स्ट टाइम अभी यहां पर दिखाई जाएगी। तो ये छत्तीस आप लोगों से कोई पूछे कि है क्या, किस लिए बनाया गया है, किस किसके द्वारा बनाया गया है, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, कहां पर ये लॉन्च किया गया है, तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कौन सी मूवी यहां पर फर्स्ट टाइम इसके स्क्रीन पर दिखाई गई है,
तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखिएगा, आइए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर ये क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से बहुत सारे बच्चों के द्वारा दिए गए हैं। ये जो यहां पर आंसर लिए हैं इनमें आप लोग एक त्रुटि यहां पर देखने को मिलेगी। ये ऐसी त्रुटि कई बार आप लोग करते हैं और जल्दी जल्दी में ये सारी चीजें आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग पहले देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक जो है यहां पर इसके बारे में पूछा गया था, 1945 में इसको बनाया गया था। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, ये यूएसए के द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया था इनका नाम। इसका जो मोटो है वो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वॉशिंगटन डीसी में इसका आप लोगों का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में, 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया था। इसके चेयरमैन कौन है? एनके सिंह। तो ये जो गलती यहां पर की गई है, ये एनके सिंह यहां पर चेयरमैन, आप लोग क्या करते हैं कई बार ऐसी गलती कर देते हैं, ये चेयरमैन प्रेजेंट का जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है एनके सिंह, ठीक है। यहां पर जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो, इसलिए यहां पर मैंने सही नहीं किया, गलत इसलिए यहां पर डाला, तो कहता आगे आप लोग उसको याद रख सो, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में काफी न्यूज अभी चल रही है। तो इनके नाम है महावीर त्यागी, ठीक है। तो महावीर त्यागी जी हैं फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, ये याद रखिएगा। बाद नेक्स्ट बात की गई थी यहां पर, ये समोआ आइलैंड यहां पर साउथ इक्वेटर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड के पास में। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बताऊं तो यहां पर कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा समोआ आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं जो कि काफी न्यूज में था। बाकी जो आंसर यहां पर काफी अच्छे से दिए गए, तो आज यहां पर दो फैमिली मेंबर के नाम है यूसुफ उनीसा और यहां पर ये है गुलशन कुमार, ठीक है। तो अच्छे से आंसर देते रहिए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, और कभी वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है किसी रीजन की वजह से तो उससे हिसाब से आप लोग अपना एक घंटा काउंट कर लिया कीजिए। ये नहीं है कि बिल्कुल आप लोग कि हाँ सर, एक बच्चा बोला है कि सर वीडियो ही 8 बजे आई है तो आपने बोला था 8 बजे तक आंसर देने कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चल जाता है। बस कहने का मतलब यह है कि किसी से कॉपी मत करो आंसर, अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे, अपने आप से सर्च कर आंसर दो, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली बोलना चाह रहा था, इससे आप लोग को ही फायदा होने वाला है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं अपन नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इबोला वायरस के बारे में। इबोला वायरस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो वाले रीजन में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, और ये जो आउटब्रेक है इसकी वजह से काफी सारे लोगों को यहां पर प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। आज जो यहां पर अगस्त 2018 में स्टार्ट हुआ, खासकर नॉर्थ किवू ये जो रीजन है और इसी के साथ में यहां पर इतुरी ये प्रोविंस है यहां पर ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया भी देखने को मिलता है। मॉर्निंग में आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो पर्टिकुलर एरिया में काफी लार्ज स्केल पर यहां पर लोग वैसे ही प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि कंगाली में आटा गीला, एक तो वैसे ही लोग परेशान है, ऊपर से ये इबोला वायरस यहां पर प्रॉब्लम फैला रहा है। WHO के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है कि ये काफी बड़ी खतरनाक एक एपिडेमिक है, यानी कि महामारी है। और 2014 में वेस्ट अफ्रीकन आउटब्रेक देखने को मिला था, जहां पर कई सारी कंट्री में ये प्रॉब्लम निकल कर आई थी। अगर बात की जाए यहां पर जो इबोला वायरस है, लगभग जो बोला जा रहा है यहां पर रिसेंटली अभी ये 2400 के केस करीब यहां पर कंफर्म किए गए, और इसकी वजह से 1600 के करीब जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है। समझ रहे हैं आप लोग कि कितने लार्ज स्केल पर यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर वायरस की वजह से। इसी के साथ में अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, इबोला वायरस जो डिजीज है इसको बुलाला, इसको इसके नाम से पकड़ा जाता है इबोला हेमरेजिक फीवर के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। ये सीवियर फेटल, यानी कि एक तरीके से इंसान को मारने वाला फीवर आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो ये वायरस है यहां पर, ये फ्लिवो वायरोराइड, ठीक है। तो ये इसको तीन कैटेगरी में यहां पर इंक्लूड किया जाता है, क्यूबे वायरस, ये है मर्गीबेरिस वायरस, इसी के साथ में यहां पर इबोला वायरस। तो तीन तरीके की कैटेगरी में यहां पर इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो CME या MCE आप लोग किसी भी नाम से इसको याद रखते हैं, जिसको यहां पर इस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इबोला जो वायरस है यहां पर, ये 5 स्पीसीज है इसकी, 3 यहां पर जेनरिक है यहां पर, इसी के साथ में 5 स्पीसीज है, ठीक है। ये जो यहां पर यह जायरा, इसी के साथ में है बुंदिया बुर्गियो, इसी के साथ में यह है सुडान, यह है रेस्ट्रॉन और थाई फॉरेस्ट। तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया इन पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, जैरे भी बोलते हैं इसको कई बार, तो इसका नाम आप लोग याद रखेगा। तो ये थाई फॉरेस्ट भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो यहां पर जो एरिया है यहां पर आइडेंटिफाई किया गया इन पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। इसी के साथ में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसी बीमारी है, ये एक जूनोसिस बीमारी है। जूनोसिस बीमारी कौन सी होती है? जूनोटिक बीमारी भी आप लोग बोलते हैं, जो एनिमल से इंसानों तक पहुंच जाती है। चिंपेजी गोरिल्ला फ्रूट बैट के थ्रू भी यहां पर ये इंसानों तक पहुंच जाती है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन और ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन भी आप लोग को देखने को मिलता है। जो यहां पर ये पेट्रोपोडियाडाए ये फैमिली है यहां पर, जो कि फ्रूट बैट वायरस की है, तो उस बेसिकली इस कैटेगरी में भी यहां पर ये भी वायरस इसको फैलाता हुआ नजर आता है। जो इबोला वायरस यहां पर बोला जाता है कि लगभग जो फर्टिलिटी रेट है
50% लोगों की जान चली ही जाती है जिसको ये बीमारी होती है। वैसे 25% से लेकर 90% तक यहाँ पर आउटब्रेक के बाद में जो केसेस निकल के आते हैं, यानी कि बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जहां पर लोग बच जाते हैं। बाकी जो सपोर्ट केयर दी जाती है ये रिहाइड्रेशन, इसके अलावा यहाँ पर सिम्पोमेटिक ट्रीटमेंट इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर चीजें की जाती है, पर लेकिन अब तक कोई भी ऐसी रेटिफाई या फिर आप लोग बोले लाइसेंस दवाई नहीं है जो कि यहाँ पर बोला जा सके कि ये इसके लिए है पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए। वैसे यहाँ पर जो ब्लड के बेस पर इम्यूनोलॉजिकल या फिर ड्रग थेरेपी जो भी यहाँ पर फिलहाल जो ट्रीटमेंट है नेचुरल तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्थ ये केवियो प्रोविंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम इसकी निकल कर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर लेक अल्बर्ट का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, ऊपर आप लोग यहाँ पर सुडान देखने को मिलेगा और ये है इतुरी प्रोविंस जो भी यहाँ पर बहुत सारी महामारी भी आई, कई सारे लोगों को यहाँ पर जो यहाँ के डिक्टेटर लीडर थे उनके द्वारा भी मारा गया, तो वो भी प्रॉब्लम है और ऊपर से यहाँ पर रही सही कसर ये बीमारी कंप्लीट कर रही है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर देखना चाहते हैं कहां पर इसकी लोकेशन, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से आप लोग आएंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर, ये है एग्जैक्ट लोकेशन। एक आइलैंड काफी न्यूज में है जिसका नाम है अबू मूसा आइलैंड, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक बार इसको लोकेशन आप लोग देख लीजिए। ये है यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन, इधर आप लोग आएंगे ये हो गया पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ में ये हो गया स्टेट ऑफ फार्मूज। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को ये कहीं पर देखने को मिलेगा अबू मूसा। ये जो आइलैंड है ये ईरान के द्वारा ऑक्युपाई है, पर लेकिन जो क्लेम किया जाता है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के द्वारा क्लेम किया जाता है, यानी कि ये जो आइलैंड है ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में। अभी हुआ क्या यहाँ पर ईरान के जो टैंकर थे उनको पकड़ लिया गया यूएई के द्वारा, यानी कि यूएई के द्वारा नहीं ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटेन की जो फोर्सेस थी यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर जो पर्शियन जो यहाँ पर ईरान के जो टैंकर थे उनको यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में है। ये मैंने आप लोगों को बताया दिया कि ईरान के द्वारा ये बेसिकली एडमिनिस्टर किया जाता है, पर लेकिन जो बोला जाता है ये बोला जाता है कि यूएई का कि ये मेरा पार्ट है, मेरा जो पार्ट है यहाँ पर तो मेरी प्रोविंस का ये पार्ट है। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर ये न्यूज में इसलिए काफी यहाँ पर है जो कि अभी यहाँ पर ईरान की वजह से और गल यो स्टेट ऑफ फार्मूज भी यहाँ पर इसी वजह से अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है। ठीक है, बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर अबू मूसा या फिर बात की जाए ग्रेटर और यहाँ पर लेसर टुनबर्स, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो आइलैंड है ये मोस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट माने जाते हैं पर्शियन गल्फ के अंदर। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जो आइलैंड होते हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जा सकता है बेस बनाने के लिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हर एक कंट्री चाहती है कि इसके ऊपर पर्टिकुलर कंट्री का दबदबा रहे। तो इसी के चलते यहाँ पर कुछ भी अगर एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर हर एक कंट्री चाहती है कि वो अपने कब्जे में उसको ले ले। सर्विलेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है कि पर्टिकुलर एरिया में क्या चल रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट को, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये यहाँ पर आप लोग इसको देखते हैं काफी न्यूज में था रिसेंटली अभी। ठीक है, तो याद रखिएगा अपनी कंट्री के कंपेयर में अगर आप लोग एक बार नजर डालना चाहेंगे तो कहां पर होगा ये हो गया हमारा प्यारा भारत, जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है इस वाले एरिया की। ठीक है, ये ओमन हो गया यहां पर, ये ईरान हो गया और ये हो गया सऊदी अरेबिया, ये हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है आज के डेट में हम लोग काफी लार्ज स्केल पर जो भी अपने वेपन वगैरह हैं, अपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बाहर की कंट्री से खरीदते हैं। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति MRGS ये एक ऐसा प्रोडक्ट स्टार्ट करने की बात की जा रही है जिसमें हमारी कंट्री पर ही फोकस किया जाएगा और हमारी ही कंट्री में ये सारी चीजें बनाने की कोशिश की जाएगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हेल्प से। तो ये जो है मिशन ज्ञान शक्ति एक तरीका MOU है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक तरीका एग्रीमेंट है, जो कि बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल IPFC ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, उसी के साथ में नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NRDC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, तो मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं। इसके तहत यहाँ पर जो भी इनोवेटिव आइडिया होंगे तो उनको यहाँ पर एक तरीके से IPR की कैटेगरी में लाया जाएगा, इनके इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये डिफेंस में अगर यहाँ पर इसको दिया जाएगा, देखिए होता क्या है, मान लीजिए किसी ने कोई काम किया, काम करने के बाद में अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा उसके काम के लिए, तो एक तरीके से ना तो उसको पैसा मिल रहा है और ना ही कोई रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती है, कोई और उसको यूज कर ले। तो इसी के लिए IPR यहां पर रहते हैं ताकि उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जा सके, कोई चोरी न करे। तो ये जो मिशन रहेगा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि बेसिकली देखेगा डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस ये यहां पर चेक करेगा कि क्या यहां पर ये ऐसा काम किया जा सकता है। टोटल 12,000 पर्सनल जो
IPR में यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा, मोर देन 1000 न्यू IPR एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में और भी लोगों को ट्रेन करने की बात की जा रही है, एडिशनल 20,000 पर्सनल को, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस पर हमारी कंट्री में ये पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है डिफेंस रिलेटेड, और नए नए आइडिया आ सके और अपनी ही कंट्री पर हम लोग डिपेंडेंट रह सके, किसी बाहर की कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी न रहे। ठीक है, तो मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति क्या है कि हमारे ही कंट्री में इंप्रूवमेंट करना है सिचुएशन को, ताकि हमारे ही कंट्री में हमको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत न पड़े। तो ये कुछ बेसिक आइडिया है, इसके बारे में याद रखिएगा। सिग्निफिकेंस क्या हो गया, डिजाइन कैपेबिलिटी बढ़ाएगा इनहेंस की, और इसी के साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला सेक्टर भी हमारा इंप्रूव होगा, जिसके लिए यूएसए बार बार हमारे ऊपर उंगली उठाते रहता है कि ये क्या करते हैं, ये चीजें चोरी करते हैं और बनाते हैं, अपने आप मेहनत नहीं करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी आप लोगों को यहां पर सही डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया और मालदीव के बारे में जो बात की जा रही है। इंडिया जो है यहाँ पर मालदीव को चाहता है कि फिर से वो कॉमनवेल्थ का पार्ट बन जाए, क्योंकि जब यहाँ पर अब्दुल्ला यमीन हुआ करते थे उस टाइम पर मालदीव को विड्रॉ कर लिया गया था कॉमनवेल्थ नेशन से, ताकि जो यहाँ पर इसके ऊपर कोई प्रेशर ना बना सके, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक रूलर की तरीके से रूल करना नहीं चाह रहे थे, चाइना के साथ मिलकर ये कंप्लीटली एक ऑटोक्रेटिक रूल करना चाह रहे थे और पूरी कंट्री को कंट्रोल करने के मूड में थे। तो उस टाइम पर यहाँ पर इसको हटा लिया गया था जो यहाँ से कॉमनवेल्थ से, अब यहाँ पर इंडिया सपोर्ट कर रहा है ताकि कॉमनवेल्थ का पार्टनर यहाँ पर बन सके। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे कौन है, एस जंकर जी के द्वारा यहाँ पर बोला गया, जो 19th कॉमनवेल्थ फॉरन अफेयर जो मिनिस्टर की मीटिंग यहाँ पर लंदन में है, उसमें यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर मालदीव को एडमिट यहाँ पर फिर से री एडमिशन यहाँ पर इसका कर लिया जाए। कॉमनवेल्थ एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आप लोगों को यहाँ पर रहना है। 53 इंडिपेंडेंट और यहाँ पर जो सोवरन स्टेट है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बेसिकली वो कंट्री है जो कभी ब्रिटेन के द्वारा रूल की जाती थी और आज के डेट में इंडिपेंडेंट कंट्री है। हेडक्वार्टर यहाँ पर लंदन में है यूके में। 53 टोटल यहाँ पर कॉमनवेल्थ कंट्री है, जो यहाँ पर जो लास्ट कंट्री जिसके द्वारा ज्वाइन किया गया था 2019 में, ये है रवांडा। तो ये भी आप लोग याद रखेगा, जो भी मेंबर है सारे के पास में राइट है कि जो भी बोल सकते हैं अपना आराम से, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ में जो आप लोग मैप में यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी कंट्री है, अफ्रीका में काफी सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंडिया और पाकिस्तान हो गई, ऑस्ट्रेलिया और ये सारी कई सारी कंट्री यहाँ पर, तो ये सारे कॉमनवेल्थ का पार्ट है। छोटी से छोटी कंट्री के पास में पावर होती है कि वो अपनी वॉइस को यहाँ पर रख सके, यानी कि कोई सप्रेस नहीं करेगा। तो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर जो रहता है, ये वर्ल्ड वाइड आप लोग यहाँ पर इसकी रेंज देखने को मिलती है, जो कि ईयर में एवरी ईयर 2 मीटिंग यहाँ पर देखने को इसकी मिलती है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। रिसेंटली जो ऐड किया गया है ये मेंबर आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है, ये है रवांडा, अफ्रीका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। आज हमारा डे है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्कीम का, तो आज जो स्कीम देखेंगे ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सबसे सीधा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो स्कीम है इसमें जो एज है वो कितनी है, तो एज जो है यहाँ पर ये 18 से लेकर 70 के बीच में। लॉन्च किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में यहाँ पर ये आती है। लॉन्च कहाँ से की गई थी, ये की गई थी कोलकाता से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसको स्पीच जो थी यहाँ पर अरुण जेटली जी की 2015 का जो बजट था उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया था। एनुअली यानी कि साल में आप लोगों को जस्ट 12 रुपये यहाँ पर इसके लिए पे करना है। एक्सीडेंटल या फिर कोई भी ऐसा डिसेबिलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यहाँ पर 2 लाख तक का यहाँ पर एक इन केस अगर पार्शियल कोई ऐसा डिसेबिलिटी आती है तो 1 लाख तक का आप लोग यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीका इंश्योरेंस स्कीम आप लोग इसको बोल सकते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा, ओके। बाकी ये आप लोग की मॉर्निंग में एक वीडियो आई थी, यहाँ पर काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। इंडिया से रिलेटेड मैक्सिमम यहाँ पर फोकस रखा गया है कि क्या यहाँ पर कंडीशन बनी है और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, टोटल डिटेल में यहाँ पर इसको कवर करने की कोशिश की गई है। तो ये वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ये लगभग 15 मिनट की वीडियो है, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का वर्ल्ड कप से बनता है तो, क्योंकि 4 साल में एक बार आता है कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से कंडीशन बन रही है। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी लेता हूँ, ये आप लोगों का क्वेश्चन भी हो जाएंगे और इसी तरीके से आप लोगों का यहाँ पर रिविजन भी हो जाएगा। सबसे जो आप लोगों के जो क्वेश्चन यहाँ पर बताना है, ओल्डेस्ट प्लेयर यहाँ पर अब की बार का जो वर्ल्ड कप था वो कौन था, ओल्डेस्ट प्लेयर यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में कौन देखने को मिला, टोटल प्राइज मनी जो यहाँ पर ये वर्ल्ड कप था इसके लिए टोटल प्राइज मनी कितनी थी। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बताना है कि अगर बात करें हमारी कंट्री में अब तक कितनी बार पहले वर्ल्ड कप हो चुका है और नेक्स्ट वाला वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है, यानी कि 2023 में वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराने वाली है, सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोग दीजिएगा, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, ये 2019 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन, एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, क्विज का आंसर दिए बिना मत जाया करें। मैं देख रहा था कि जैसे ही बोलता हूं कि ये रिव्यू कर लेते हैं बहुत सारे छोड़ के निकल लेते हैं क्विज पसंद नहीं आता है क्या आप लोगों को, नहीं पसंद आता तो बता दीजिए, नहीं डिस्कस करेंगे यार, क्विज का आंसर जरूर दिया करो ताकि आप लोगों का रिविजन भी हो जाए, ठीक है।
गुरु पूर्णिमा के बारे में बात की। ये गुरु दक्षिणा आप लोग ही पूरा लेक्चर देखा करो, ठीक है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। गुरु दक्षिणा की अगर बात की जाए तो देखिए आप लोग चीजों को शेयर कर दे कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए यहाँ पर कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये काफी फायदेमंद रहेगी उन बच्चों के लिए, खासकर जो अफोर्ड नहीं कर पाते चीजों को, उन तक भी चीजें पहुंच जाए। कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, या फिर किसी को पढ़ा दीजिए जिनके पास में मोबाइल वगैरह नहीं है खुद से, तो ये कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी यहाँ पर काफी कुछ चीजें हैं इंटरेस्टिंग जो हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर, अपना जो ये क्विज था। बाकी हम लोगों ने सर यहाँ पर बात की ऑपरेशन थ्रस्ट के बारे में, इसके अलावा यहाँ पर जो बात की गई ये अभी रिसेंटली जो नगर कीर्तन करके एक मूवी थी उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट यहाँ पर गुली बॉय के बारे में बात किया, इसके अलावा हम लोगों ने पवन हंस के बारे में बात किया। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज थी ये थी यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया क्लब किसके द्वारा, ये हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस किया, शानदार तरीके से आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करते रहना है। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर ये हम लोगों ने इबोला आउटब्रेक के बारे में डिटेल में जाना क्या क्या कंडीशन थी। इसके बाद में हम लोगों ने अबू मूसा आइलैंड कहां पर है और क्यों लोकेट, कहां पर लोकेटेड है और क्या प्रॉब्लम है, वो डिटेल में हम लोगों ने समझा। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही थी हमारी कंट्री में डिफेंस को लेकर क्या क्या काम किया जा रहा है और अपने आपको डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर से खत्म करने क्या क्या बात की जा रही है वो देखा। फिर से ऐड करने की बात की जा रही है मालदीव को, वो हम लोगों ने जाना क्या क्या बातें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जिक्र किया गया ये एक स्कीम देखी हम लोगों ने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बाकी ये आप लोगों का रिविजन जो कि आप लोगों को जाकर देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल दूंगा। देख लेते हैं आज का क्विज जो कि आप लोगों के सामने है। सबसे पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो यहाँ पर लॉन्च किया गया अभी ये ऑपरेशन, इसका नाम आप लोगों को बताना है ताकि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ढंग से देखने को मिल सके। डायरेक्टर जिनका नाम है कौशिक गांगुली के द्वारा एक बंगाली फिल्म का नाम आप लोगों को बताना है जिसको रिसेंटली अभी साक साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन में अवार्ड नवाजा गया है अवार्ड से। गुली बॉय के बारे में बात की जा रही है, इसको अभी रिसेंटली यहाँ पर ये जो अवार्ड दिया गया है तो ये किस कंट्री में यहाँ पर ये दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पवन हंस के बारे में बात की जा रही है, पवन हंस के 49% स्टेक किस कंपनी के पास में है ये आप लोगों को बताना है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब, ये क्लब कौन सा है यहाँ पर जो हमारी कंट्री में अभी स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एसोसिएशन में किसके साथ में स्टार्ट किया गया है ये भी आप लोगों को बताना है। आइलैंड का नाम बताना है जो कि अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है, ये आइलैंड खासकर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मिशन ज्ञान शक्ति, ठीक है, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, ये एक तरीका एमओयू यहाँ पर साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और किसके अंडर यहाँ पर ये साइन किया गया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे या फिर आप लोग को स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये था डिस्कशन, मॉर्निंग में मिलूंगा एग्जैक्ट 4 बजे, जरूर उठा कीजिए, कई सारे बच्चे उठते हैं तो अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप लोग की अच्छी खासी हो जाएगी और आप लोग का एक शेड्यूल भी फॉलो आप लोग कर पाएंगे। तो इसी के साथ में अगर अच्छा लगता है लेक्चर शेयर जरूर किया कीजिए जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।